आखिर जाग गया चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर। करोड़ों भारतीय जिसके लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, उनके चेहरे पर अब खुशहाली देखने को मिल रही है। और इस कारनामे को करने के बाद इसरो के वैज्ञानिक अपने आप पर गर्व महसूस कर रहे हैं। चंद्रयान 3 के जागने को लेकर एक नई जानकारी वैज्ञानिकों ने दी है। कल शाम 6:04 पर वैज्ञानिकों ने विक्रम लैंडर से संपर्क स्थापित करने की कोशिश की, जिसमें चंद्रयान के विक्रम लैंडर की ओर से वैज्ञानिकों को सिग्नल प्राप्त हुआ है। इस समय विक्रम लैंडर के सारे सिस्टम और इंस्ट्रूमेंट पहले की तरह फिर से एक्टिवेट हो चुके हैं। अब इसे चमत्कार कहें या वैज्ञानिकों का लगातार प्रयास, क्योंकि करोड़ों भारतीय चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर के एक्टिवेट होने की दुआएं कर रहे थे, और उनकी दुआओं के कारण ही चंद्रयान का विक्रम लैंडर फिर से चांद पर एक्टिवेट हो गया है। इस समय चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर उसी स्थान पर मौजूद है और उसके सारे सिस्टम एक्टिवेट हो चुके हैं। विक्रम लैंडर से संपर्क स्थापित करने के लिए इसरो ने भारत की सहयोगी यूरोपीय एजेंसी का सहारा लिया। सभी भारतीय बेसब्री से विक्रम लैंडर के जागने का इंतजार कर रहे थे और जागने की खबर ना सुनकर उनके चेहरे पर मायूसी छा गई थी। लेकिन मुझे यकीन है कि इस खबर को पूरा सुनने के बाद आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाएगी। इस वीडियो में हम चंद्रयान के बारे में बिल्कुल सटीक जानकारियां देने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहें। आपको बता दें कि चांद की धरती पर सूरज निकले 1 हफ्ते से ज्यादा हो चुके हैं और इस समय विक्रम लैंडर का तापमान बिल्कुल सामान्य हो चुका है, यानी कि जिस प्रकार धरती पर दोपहर होती है उसी तरह अब चांद का आधा दिन बीत चुका है और वहां पर दोपहर हो गई है। विक्रम लैंडर का तापमान अब उतना हो गया है जितना तापमान उसका चांद पर लैंडिंग के समय था। आसान शब्दों में कहें तो इस समय विक्रम लैंडर का तापमान इतना सामान्य हो गया है कि वह अब अपने एक्सपेरिमेंट को शुरू कर सकता है। लेकिन वैज्ञानिकों ने बताया कि अभी भी उससे संपर्क स्थापित करने में थोड़ी बहुत दिक्कतें आ रही हैं। प्रज्ञान रोवर तो इस समय पूरी तरह से एक्टिवेट हो चुका है और उसके सारे पेलोड पहले की तरह काम करने लगे हैं। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि जब तक विक्रम लैंडर से पूरी तरह से संपर्क स्थापित नहीं हो जाता, तब तक प्रज्ञान रोवर के एक्सपेरिमेंट को शुरू नहीं किया जा सकता, क्योंकि प्रज्ञान रोवर से डायरेक्ट संपर्क करने की तकनीक वैज्ञानिकों ने नहीं लगाई है। जब भी प्रज्ञान रोवर से संपर्क किया जाता है तो पहले विक्रम लैंडर के पास सिग्नल भेजा जाता है, उसके बाद विक्रम लैंडर सिग्नल को रिसीव करके प्रज्ञान रोवर के पास भेजता है। चांद की सतह पर 23 अगस्त के दिन विक्रम लैंडर ने लैंडिंग की थी। इसके बाद उन्हें 14 दिनों तक एक्सपेरिमेंट करना था, लेकिन विक्रम और प्रज्ञान में केवल 12 दिनों तक ही चांद की सतह पर एक्सपेरिमेंट को किया था। और 4 सितंबर के दिन वैज्ञानिकों ने प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर को स्लीप मोड में डाल दिया था। लेकिन इसी दौरान विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर ने कुछ ऐसे तत्वों की खोज की थी जिसे चांद पर पहले नहीं खोजा गया था। प्रज्ञान रोवर ने चांद की सतह पर ऑक्सीजन जैसे बहुमूल्य एलिमेंट की खोज कर ली है जो कि चांद की मिट्टी में मौजूद है। विक्रम लैंडर ने चांद पर तापमान भी रिकॉर्ड करके वैज्ञानिकों तक भेजा था। आपको बता दें कि इससे पहले किसी भी देश के लैंडर ने चांद पर तापमान की जांच नहीं की थी, इसलिए चांद की सतह पर तापमान की जांच करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। जिस तरह धरती पर दोपहर 12 बजे सूरज चमकता है, उसी तरह अब चांद पर सूरज चमकने लगा है। इससे आप इसका अनुमान लगा सकते हैं कि इस समय विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर कितने गर्म हो चुके होंगे। प्रज्ञान रोवर इस समय पूरी तरह से एक्टिवेट हो चुका है क्योंकि उसमें हीटिंग सिस्टम लगाया गया था, जिससे रात के समय भी उसकी बैटरी उसे हीट कर रही थी। लेकिन समस्या इस बात की है कि रोवर को डायरेक्ट सिग्नल नहीं भेजा जा सकता, क्योंकि सबसे पहले सिग्नल विक्रम लैंडर को भेजा जाता है, उसके बाद विक्रम लैंडर सिग्नल को रिसीव करके प्रज्ञान रोवर के पास भेजता है। वैज्ञानिकों ने जानकारी देते हुए बताया कि हो सकता है इस समय विक्रम लैंडर पूरी तरह से एक्टिवेट हो चुका हो और अपने काम करना शुरू भी कर दिया हो, लेकिन संपर्क न होने के कारण पृथ्वी तक जानकारी भेज पाने में असमर्थ है। जब तक विक्रम लैंडर से संपर्क स्थापित नहीं होता, तब तक इसके बारे में सटीक जानकारी नहीं मिलेगी। चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर के जागने की खबर जल्द ही आप लोगों को मिलने वाली है।
और जो लोग चंद्रयान तीन के न जागने की खुशी का जश्न मना रहे हैं उनके मुंह पर तमाचा लगने वाला है, क्योंकि विक्रम लैंडर के सारे सिस्टम एक्टिवेट हो चुके हैं, केवल संपर्क स्थापित कर पाना बाकी रह गया है। वैज्ञानिकों ने कहा कि हम जल्द ही चंद्रयान तीन के विक्रम लैंडर से संपर्क स्थापित कर लेंगे और पुनः विक्रम और प्रज्ञान चांद पर एक्सपेरिमेंट करने लग जाएंगे। कुछ लोग कह रहे थे कि चंद्रयान तीन फेल हो चुका है, तो आपको बता दें कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चंद्रयान तीन का विक्रम लैंडर जल्द ही जागने वाला है और इस बार कुछ ऐसे कारनामे करने वाला है जो कि इतिहास में किसी और देश ने नहीं किया है। अब इसे आप चमत्कार कहें या वैज्ञानिकों की मेहनत और बार बार प्रयास करने का नतीजा, चंद्रयान तीन के विक्रम लैंडर की ओर से धरती तक सिग्नल आना किसी चमत्कार से कम नहीं है। लेकिन करोड़ों भारतीय की दुआओं की वजह से चंद्रयान के विक्रम लैंडर के सारे सिस्टम एक्टिवेट हो चुके हैं और जल्द ही चांद पर एक्सपेरिमेंट करने वाला है। ये आप लोगों और करोड़ों भारतीयों की दुआओं की वजह से ही हुआ है। बिना आपकी दुआओं की वजह से विक्रम लैंडर का फिर से जाग पाना नामुमकिन था। चांद की ऑर्बिट में घूम रहे ऑर्बिटर ने DFSAR कैमरा द्वारा रिकॉर्ड करके यह जानकारी धरती तक भेजी है कि विक्रम लैंडर का तापमान पहले जैसा हो गया है। जैसे उसका तापमान लैंडिंग के समय था, बिल्कुल वैसा हो गया है। यानी कि इस तापमान में विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर के सारे इंस्ट्रूमेंट आसानी से काम कर सकते हैं। करोड़ों भारतीय जिस समय का इंतजार कर रहे थे उसमें लगातार सफलता देखने की उम्मीद मिल रही है, क्योंकि चांद पर 20 सितंबर के दिन ही सुबह हो चुकी थी और सभी लोग इसी का इंतजार कर रहे थे कि आखिर विक्रम लैंडर कब जागेगा। चांद पर ऐसा पहली बार हुआ है कि चांद की धरती पर किसी लैंडर द्वारा तापमान ना पा गया। साथ ही चांद के दक्षिणी ध्रुव पर ऑक्सीजन और सल्फर की खोज भी की गई। अब चांद की धरती पर 4 अक्टूबर के दिन रात होना शुरू हो जाएगी और फिर से उसका तापमान धीरे धीरे घटने लगेगा। लेकिन चांद पर रात होने से पहले ही फिर से विक्रम लैंडर को जाग कर चांद की धरती पर पानी की खोज करना होगा। प्रज्ञान रोवर इस बार विक्रम लैंडर से 500 मीटर दूर जाकर डाटा को इकट्ठा करके वैज्ञानिकों तक भेजने का भरपूर प्रयास करेगा। आपको बता दें कि इस बार विक्रम लैंडर द्वारा फिर से चांद का तापमान और भूकंप रिकॉर्ड किया जाएगा, जिससे पिछली बार और अब की बार के डेटा में अंतर को स्पष्ट किया जा सकेगा। आप लोग चंद्रयान तीन की सफलता के बारे में क्या कहना चाहेंगे, अपनी सलाह कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने मित्रों तक इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके, और अपने भरोसेमंद चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं किसी और नॉलेजेबल वीडियो के साथ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।